हेलो स्टूडेंट, आज अपना थर्ड पेपर के पहले यूनिट का टॉपिक है रेशम के प्रकार और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर। इस पर रेशम के जितने भी प्रकार है वो कहाँ कहाँ उसका उत्पादन होता है उसका अपन अध्ययन करेंगे। रेशम में जो मुख्यतः जो रेशम है वो मेलबेरी प्रकार का रेशम है, जो कि जो सिल्क वर्म यानी रेशम कीट से प्राप्त होता है, उसका नाम बोम्बेक्स मोराई है। तो जितनी भी ये सिल्क वर्म की प्रजातियां हैं वो उनका जो वर्ग है वो इंसेक्टा यानी कि इंसेक्टा क्लास के अंदर आती है, और उनका जो गण है ऑर्डर है वो लेपिडोप्टेरा है। तो बहुत सारी ऐसी सिल्क वर्म यानी कि रेशम कीट की प्रजातियां हैं जिससे व्यापारिक रूप से रेशम प्राप्त होता है, लेकिन जो मुख्यतः जो रेशम है वो मेलबेरी प्रकार का रेशम है, और जो कि बॉम्बिक्स मुराई से प्राप्त होता है। तो कमर्शियली रूप से, व्यापारिक रूप से जो रेशम जैसे सिल्क वर्म से या सिल्क मॉथ से, जिसको मॉथ भी कहते हैं, प्राप्त होता है, वो बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन मनुष्य ने उसको व्यापारिक रूप से जिन प्रजातियों को सिल्क वर्म उत्पादन के लिए या रेशम के लिए उत्पादन के लिए उपयोग किया, तो उस प्रकार की मुख्य रूप से जो रेशम है वो चार ही प्रकार है। तो चार प्रकार की रेशम से और बहुत सारे स्पीशीज हैं वो इस प्रकार की रेशम का उत्पादन करते हैं, तो इसका आज अपन अध्ययन करेंगे। तो मेनली जो बॉम्बिक्स मुराई है या जितनी भी सिल्क है उनकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, जैसे अभी यहाँ पर बॉम्बिक्स मुराई की अपन पोजीशन देखें, सिस्टमेटिक पोजीशन देखें या इसका क्लासिफिकेशन देखें, तो ये जितनी भी स्पीशीज है वो सब आर्थ्रोपोडा फाइलम्स के अंदर आती है, और इनका सब फाइलम एंडिब्लोटा है, क्लास इंसेक्टा है, सब क्लास टेरिगोटा है, डिवीजन एंडोप्टेरिगोटा है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है, और बॉम्बिक्स मुराई की बात करें तो जीनस बॉम्बिक्स और स्पेसिस मोराई। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में अपन अलग 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 प्रकार की जितनी भी इसकी सिल्क वर्म की प्रजातियां हैं उनको देखेंगे, और उन प्रजातियों से किस किस प्रकार का रेशम मिलता है और कहाँ कहाँ भारत में इसका उत्पादन होता है, तो ये अपना टॉपिक है। उसके बारे में अगली स्लाइड्स में अपन इसका अध्ययन करेंगे, और इस स्लाइड्स में अपन देखते हैं कि कितनी प्रकार की रेशम है और जो अलग अलग प्रजातियों रेशम कीट की प्रजातियों से प्राप्त होती है। तो मुख्यतः चार प्रकार की रेशम है जिसका व्यापारिक रूप से उत्पादन किया जाता है। तो उन रेशम्स के नाम से पहला मलबरी सिल्क, दूसरा तसार सिल्क, तीसरा मूगा सिल्क, और कहीं कहीं आपको मूंगा भी देखने को मिलेगा, जिसको मूंगा भी लिखा होता है, लेकिन मेनली ये मूंगा सिल्क, चौथा हिरी सिल्क। और इन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रकार की जो सिल्क है जिसका उत्पादन होता है वो है मलबरी रेशम। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर 80% इस प्रकार की रेशम का उत्पादन किया जाता है, जिसको बोलते हैं मलबरी सिल्क। मलबरी एक प्लांट्स का नाम है जिसके ऊपर बॉम्बिक्स मुराई फीडिंग करता है, या बॉम्बिक्स मुराई उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। शहतूत की जो पत्तियाँ होती है, तो शहतूत के पौधे को मलबरी कहते हैं। तो उसी के आधार पर सबसे ज़्यादा मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो उसी के बेस पर दो भागों में इसको सिल्क को बांटा गया है। एक तो मलबरी सिल्क जो बॉम्बिक्स मुराई से प्राप्त होती है, बॉम्बिक्स मुराई की जो अवस्था है लार्वा उससे मिलती है तो उसको मलबरी सिल्क, और दूसरी जितनी भी इसकी रेशम कीट की प्रजातियाँ हैं जिससे अलग तीन प्रकार की जो तसार है, मूंगा है, इरी है, जो इस प्रकार की रेशम प्राप्त होती है, तो उसको नॉन मलबरी रेशम या नॉन मेलबरी सिल्क या उसका दूसरा नाम वानिया सिल्क कहते हैं। तो चार टाइप्स है, और उन चारों टाइप्स को दो टाइप्स के अंदर रखा गया है। मेलबरी सिल्क जो एक ही टाइप से, मेलबरी सिल्क जो बॉम्बिक्स मराई से, बाकी तीनों तसार सिल्क, मूंगा सिल्क, इरी सिल्क, ये नॉन मेलबरी प्रकार की रेशम है। तो मेलबरी सिल्क मुख्यतः ये सबसे अच्छी क्वालिटी की रेशम होती है, और ये जिसकी शाइनिंग अच्छी होती है, क्रीमी कलर्स होता है, और ये किससे प्राप्त होती है, बॉम्बिक्स मराई प्रजाति, जो रेशम कीट की प्रजाति है बॉम्बिक्स मुराई उससे प्राप्त होती है। और ये बॉम्बिक्स मुराई किसके ऊपर फीड करता है, शहतूत की पत्तियों के ऊपर फीड करता है। तो और बॉम्बिक्स मुराई की जो अवस्था है, लार्वा अवस्था, कैटरपिलर जिसको बोलते हैं, वो अपनी ग्रंथियों से इस रेशम को स्रावित करता है, जिससे ये मलबरी प्रकार की सिल्क रेशम प्राप्त होती है। और इसका उत्पादन भारत के अंदर किन किन राज्यों में होता है, तो मुख्यतः जो स्टेट्स हैं, जो साउदर्न स्टेट हैं, जो दक्षिण भारत के अंदर आते हैं, वो इस प्रकार की रेशम का उत्पादन करते हैं, जिसमें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड जो नॉर्थ स्टेट्स है, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे स्टेट्स मिलाकर
90-92% पूरे भारत के अंदर 92% इस प्रकार की सिल्क का उत्पादन करते हैं ये सारे राज्य। तो ये मेलबेरी सिल्क की बात होगी। बाकी वाले तीनों जो सिल्क के रेशम है वो सारी ये तसार सिल्क, इरी सिल्क और मूंगा या मूंगा सिल्क जो नॉन मेलबेरी सिल्क है। तसार सिल्क का उत्पादन करने वाली 4-5 प्रजातियां हैं इसकी रेशम कीट की, जो तसार टाइप्स का या तसार प्रकार का रेशम प्रोडक्शन करती है। और ये तसार को दो भागों में विभक्त किया गया, जहाँ जाइए किस एरिया जो क्षेत्र है जैसे ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्षेत्र जिसको बांटा गया है, तो उसके आधार पर इस तसार सिल्क को भी 2 टाइप्स की तसार सिल्क में बांट दिया गया। एक होगी ट्रॉपिकल तसार सिल्क, दूसरा टेम्परेट तसार सिल्क। तो तसार सिल्क कौन सी प्रजातियाँ हैं मॉथ्स की या अपन कहें रेशम कीट की जो तसार प्रकार का सिल्क का उत्पादन करती है, तो एंथ्रेसिया माइलेटा, एंथ्रेसिया पेपही पेफिया, एंथ्रेसिया रोयली, एंथ्रेसिया प्रिनई, एंथ्रेसिया प्रोयली प्रोयली। तो ये 5 प्रजातियां हैं किसकी, रेशम कीट की। और उसकी जो लार्वा अवस्था है वो इस प्रकार का रेशम स्रावित करती है। और ये पांचों की पांचों प्रजातियां किन किन पौधों पर निर्भर करती है, तो वो पौधे जिनको सामान्यतः अर्जुन कहा जाता है, आसान कहा जाता है, या साल ओक, उनके ऊपर ये भोजन के लिए निर्भर रहती है। 2 टाइप्स की जो अपन ने तसार सिल्क बात करिए, ट्रॉपिकल तसार सिल्क जिसका मुख्यतः उत्पादन कहाँ का होता है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ राज्य है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र, इनके अंदर किस प्रकार की तसार सिल्क मिलती है, ट्रॉपिकल तसार सिल्क, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तो ये जितने भी राज्य हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल तसार सिल्क का उत्पादन होता है। दूसरी जो तसार सिल्क के अंदर दूसरी जो टाइप्स है वो टेम्परेट तसार सिल्क है, जिसका प्रोडक्शन जो नॉर्दर्न साइड्स के जितने भी राज्य जैसे मुख्यतः जो मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, असम है, मेघालय है, जम्मू कश्मीर है, इनके अंदर किस टेम्परेट प्रकार की तसार रेशम का उत्पादन होता है। इरी सिल्क तीसरा प्रकार है रेशम का, और नॉन मेलबेरी सिल्क का दूसरा प्रकार जिसको इरी रेशम या इरी सिल्क बोलते हैं, ये एटेकस रेसिनी प्रजाति है जो रेशम कीट की, उससे इसका उत्पादन होता है, उसका लार्वा इसको प्रोड्यूस करता है रेशम को। और ये किसके ऊपर निर्भर रहता है, ये कैस्टर जो प्लांट होता है उसकी, कैस्टर पौधा होता है उसकी पत्तियों को ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और इससे प्राप्त होने वाला जो रेशम है ये लगभग ज़्यादातर किसके समान देखने, मलबरी जो सिल्क है उसके जैसा होता है, लेकिन उसके जैसी इसकी क्वालिटी नहीं होती। इट्स कलर इज आल्सो क्रीमी एंड वाइट लाइक ए मलबरी सिल्क, इसका भी रंग मलबरी जैसा, मलबरी जो रेशम है उसके जैसा ही, उसके समान देखने को मिलता है, बट लेकिन इसकी जो चमक है वो मलबरी जो रेशम है उससे कम होती है एरी रेशम की चमक। प्रोड्यूस मेनली ये मुख्यतः जो नॉर्थन स्टेट्स है, तो ये एरी सिल्क नॉर्थन स्टेट जैसे असम है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा, इन राज्यों में एरी रेशम का उत्पादन होता है। किससे, एटेकस रेसिनी से, एटेकस रेसिनी के पालन से, यानी कि इस रेशम कीट के पालन से एरी सिल्क का उत्पादन होता है। और मूंगा सिल्क या मूंगा या मूगा सिल्क जिस, तो ये मूंगा जो सिल्क है इसका मेनली प्रोडक्शन ये मुख्यतः एक ही राज्य के अंदर होता है भारत का, जिसका नाम है असम, उसी के आधार पर इसकी स्पेसिस का नाम भी असामा या असमेंसिस भी कहते हैं। तो इसकी प्रजाति का नाम है एंथ्रेसिया असामा। तो एंथ्रेसिया असामा रेशम कीट का जो लार्वा है कैटरपिलर, वो सॉम प्लांट, चंपा और मयंकरी पौधों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहता है, उसके उसकी पत्तियों को ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है लार्वा, और इस लार्वा से जो रेशम उत्पन्न होता है उस रेशम को क्या कहते हैं, मूगा सिल्क या मूगा रेशम। और ये मुख्यतः सिर्फ असम राज्य के अंदर ही इसका उत्पादन होता है। तो इंडिया की, भारत की जो है, भारत एक ऐसा देश है जिसकी मोनोपोली है, मतलब यही प्रोडक्शन करता है, यही राष्ट्र जो मूगा सिल्क का मुख्यतः प्रोडक्शन करता है, तो इसलिए इंडिया है मोनोपोली इन मूगा सिल्क प्रोडक्शन, और कोई अन्य ऐसे देश नहीं है जो मूगा सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। तो क्योंकि ये पर्टिकुलर विशेष प्रकार की स्पीसीज सिर्फ असम, भारत के असम राज्य में पाई जाती है, तो इसलिए इसका नाम भी एंथ्रेसिया असमेंसिस या एंथ्रेसिया असामा कहते हैं। तो ये चारों स्पीसीज क्या कहते हैं, चारों प्रकार की रेशम होगी, और अलग अलग जिन स्पीसीज से प्राप्त होती है उन स्पीसीज के नाम, और इस प्रकार की जो रेशम है चारों की चारों, और इसका उत्पादन किन किन भारत के राज्यों में होता है वो आपने अभी पढ़ा। और इस टेबल में आपको दर्शाया गया है कि किस प्रकार की रेशम
और किन किन प्रजातियों, जो सिल्क की सिल्क इंसेक्ट है, जो सिल्क वॉर्म है या रेशम कीट है, उसकी प्रजातियाँ, और वो प्रजातियाँ भोजन के लिए किन पौधों पर निर्भर रहती है, उनके नाम इस टेबल में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मलबरी प्रकार का जो रेशम है वो बोम्बिक्स मुरई से प्राप्त होता है, और ये भोजन के रूप में मोरस अल्बा यानी कि सहतूत जो पौधा होता है उसकी पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तसार जो प्रकार की जो रेशम है वो इन रेशम कीट की पांच प्रजातियों से इस पर तसार प्रकार की रेशम प्राप्त होती है। उनका नाम है एंथेरिया, क्या कहते हैं, एंथेरिया माइलेटा, एंथेरिया पेपिया, एंथेरिया रोयली, और एंथेरिया प्रेनवी, और एंथेरिया प्रोवेली। तो ये पांच रेशम कीट की प्रजातियां हैं जो तसार प्रकार का रेशम स्रावित करती है, तसार प्रकार का रेशम का उत्पादन करती है। और ये पांचों प्रजातियां इन पौधों के जो बोटनिकल नेम है, जैसे टर्मिनेलिया अर्जुना जिसको अर्जुन बोलते हैं, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा जिसको असन बोलते हैं, सोरिया रोबुस्टा जिसको साल बोलते हैं, जेजीफस जोजुबा जिसको पल्म बोलते हैं, इन पौधों के ऊपर वो भोजन के लिए निर्भर रहती है। जो तसार प्रोड्यूस करने वाली या तसार का उत्पादन करने वाली रेशम कीट की ये पांचों प्रजातियाँ। तीसरा जो रेशम का टाइप्स है वो इरी है, इरी सिल्क, और ये रेशम कीट की जो प्रजाति है एटेकस रेसिनी, दो इरी प्रकार का रेशम का उत्पादन करती है। और ये एटेकस रेसिनी जो रेसिनस कॉमिनस कैस्टर जिसको बोलते हैं सामान्यतः, उस पौधे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहती है। चौथा टाइप से मोगा, जिसका उत्पादन रेशम कीट के एंथ्रियाई असामा प्रजाति से होता है। इसका स्पीशीज का नाम है असामा, असामेंसिस, मतलब कि प्रजाति ज़्यादातर भारत के असम राज्य में ही मिलती है, और ये मोनोपोली है इंडिया की इस मूगा सिल्क प्रोडक्शन में। तो ये एंथ्रेसिया असामा इन पौधों के ऊपर भोजन के रूप में, भोजन ग्रहण करने के लिए या भोजन ग्रहण करने के लिए इन पौधों के ऊपर निर्भर रहती है, जिनका नाम है टेट्रेन्थेरा मोनो टेला सोम जिसको बोलते हैं, माइकेलिया ओब्लोंगा जिसको चंपा बोलते हैं, और लेस्टियाई सिट्रेटा जिसको मोयंकुरी बोलते हैं। तो ये इन पौधों को, इनकी पत्तियों को या इन पौधों के और दूसरे भागों को ये भोजन के रूप में ग्रहण करती है ये रेशम कीट, जिसका नाम है एंथेरिसिया असामा। जो तो मूंगा के अंदर भारत देश की मोनोपोली है, मतलब यही स्टेट, क्या कहते हैं, कंट्री है जो मूंगा सिल्क का प्रोडक्शन करता है। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं जो सिल्क वॉर्म में अगली स्लाइड्स में अपन द फैक्ट्स अबाउट सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सेरीकल्चर हैज बिन प्रैक्टिसाइज फॉर एट लीस्ट 5, मतलब 5,000 वर्ष तक उसकी एक्सरसाइज होती रही, उसका प्रोडक्शन होता रहा चाइना के अंदर, उसकी वो प्रैक्टिस करते रहे उस देश के लोग सेरीकल्चर प्रोडक्शन, सेरीकल्चर उत्पादन का, या सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट का पालन किया उन्होंने, उस देश के लोगों ने। द सिल्क मुम्बिक्स मुराई, तो मुम्बिक्स मुराई जो मेन मुख्य इसमें प्रजाति है किसकी, रेशम कीट की, इस है जो कि सिल्क का प्रोडक्शन करती है, जो कि मलबरी पौधे यानी कि सिल्क, क्या कहते हैं, सहतूत की पत्तियों को भोजन रूप में ग्रहण करती है। तकनीकी रूप से कहा जाए तो अपन ये कहें नहीं कि बॉम्बिक्स मुरी का वयस्क अवस्था नहीं प्रोड्यूस करती है सिल्क, इसकी जो लार्वा अवस्था है जिसको अपन कैटरपिलर कहते हैं, वो अवस्था इसका रेशम का उत्पादन करती है। तो इसलिए लार्वा स्टेज ऑफ मोथ पर्टिकुलरली सीक्रेट्स सिल्क, तो जो लार्वा स्टेज है इसकी रेशम कीट की, वो सिल्क का उत्पादन करती है। तो सिल्क वॉर्म डाइट कंसिस्ट्स ऑनली ऑफ मलबरी टी। तो बोम्बिक्स मुराई की बात करें तो ये शहतूत की पत्तियों को भोजन के रूप में, मुख्यतः भोजन के रूप में ग्रहण करती है। द सिल्क वॉर्म बोम्बिक्स मुराई इज इंटायरली डिपेंड ऑन ह्यूमन्स फॉर इट्स प्रोडक्शन, तो इसके अपने प्रजनन के लिए ये पूर्ण रूप से मानव के ऊपर निर्भर रहती है। एंड नो लॉन्गर अकर्स इन द वाइल्ड, तो ये जंगली रूप में इसका अकर नहीं, या जंगल में नहीं पाई जाती या, तो इट इज़ ए नेटिव टू द नॉर्थन चाइना, ये इसका जो नेटिव है, जन्म है या इसकी उत्पत्ति कहें तो ये क्या है, उत्तरी चाइना में इसका नेटिव माना जाता है, मतलब यहीं से, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इट इज़ नियरेस्ट वाइल्ड रिलेटिव, तो ये किसके समक्ष है या उसके समान जो है, जो तो ये वाइल्ड जो स्पेसिस थी बोम्बाइक्स मैंडरेना, उससे इसकी उत्पत्ति माना जाता है इसको, मतलब उसके हाइब्रिडाइजेशन या संकरण से या किसी प्रकार के म्यूटेशन से या उद्भव से बोम्बाइक्स मुराई का उत्पत्ति हुई है, किससे, बोम्बाइक्स मैंडरेना से। तो ये मैंडरेना ये वाइल्ड टाइप है, जबकि बोम्बाइक्स मुराई ये वाइल्ड नहीं है, ठीक है ना, ये नेचुरल स्पीसीज है जो कि जंगली नहीं है। और तो
बॉम्बे एक सेमेंडेरेना से बॉम्बे समुराई की उत्पत्ति माना जाता है, और ये नॉर्थन चाइना मतलब उत्तरी चाइना के अंदर इसका उद्भव हुआ। द सिल्क वॉर्म फीमेल डिपॉजिट अराउंड, जो रेशम कीट की जो मादा है वो करीब करीब 400 अंडे, एक समय में 400 अंडे का उत्पादन करती है, और यदि 400 मॉथ्स देखें तो करीब करीब 40,000 अंडे देगी। तो ये अपन यदि स्क्रीन इसकी साइज़ करें, इसकी कंप्यूटर की साइज़ माने, तो मॉनिटर साइज़ पे मॉनिटर स्क्रीन अबाउट 100 मॉथ्स यदि एक लेंग करेंगे तो इसकी स्क्रीन साइज़ के ऊपर करीब करीब 40,000 अंडे वो दे सकते हैं। और उन अंडों की जो साइज़ होगी, तो ऑलपिन्स अपन देते हैं उसका जो हेड रीजन होता है, तो उस आकार के एड्स होते हैं, एग होते हैं इसके सिल्क वॉर्म के यानी कि रेशम कीट के। द फीमेल जो इसकी मादा है वो जस्ट अंडे देने के पश्चात उसका डेथ हो जाता है। तो यहाँ पर इनकी यदि जीवन चक्र पर अपन देखें तो इनकी वयस्क होता है वो काफ़ी लंबे समय तक जीवित नहीं रहती, 2 से 3 दिन जीवित रहती है, और ये भोजन भी नहीं ग्रहण करते हैं उस समय 2-3 दिन तक। तो इनका काम नॉर्मली मैटिंग और होता है या एग लेइंग करना, रिप्रोडक्शन के ही समय तक ही रहते हैं, और इनका शॉर्ट पीरियड ही होता है लाइफ का, 2 से 3 डेज जो एडल्ट होते हैं। और इनकी लंबी जो अवस्था है वो ज़्यादातर लार्वा की अवस्था है, और लार्वा ही अवस्था है कि वो बहुत वोरिशियस फीडर होता है, मतलब बहुत तीव्र गति से भोजन ग्रहण करता है, और साइज़ में भी बड़ा होता है और उसका वेट भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ अपन यहाँ बात करें आफ्टर ग्रोविंग इट्स मैक्सिमम साइज एट अराउंड, मतलब 6ठे सप्ताह जो लार्वा अवस्था है जब ये अंडे से बाहर निकला था, तो उसका 10,000 गुना इसका वेट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत तीव्र गति से भोजन करता है। तो इसलिए इसका वेट जब ये हैचलिंग हुआ हुआ था एग से, उससे लगाकर 6 वीक्स मतलब 6 सप्ताह पश्चात इसका जो भार है वो 10 गुना 10,000 गुना बढ़ जाता है। तो 1 हेक्टेयर ऑफ मलबेरी ट्रीज यील्ड अबाउट 11 टन्स ऑफ लिवेस, मतलब 1 हेक्टेयर के अंदर यदि शहतूत के पौधे को लगाया जाए तो कब करीबन करीबन 11 टन्स पत्तियों का उत्पादन करेगा, और उन पत्तियों से करीब करीब उसको पत्तियों को खा के यदि कोकोन जो ये कोकोन का प्रोडक्शन होगा तो करीब करीब 450 पाउंड्स होगा सिल्क वॉर्म के थ्रू, बट जस्ट अबाउट 85 पाउंड्स ऑफ रॉ सिल्क। तो उन 450 पाउंड से सिर्फ अपन को रॉ सिल्क है, रॉ सिल्क के रूप में कितनी सिल्क प्राप्त होगी, सिर्फ 85 पाउंड्स। तो द कोकून इज मेड ऑफ सिंगल कंटिन्यूस थ्रेड ऑफ रॉ, जो कोकून है वो एक सीधे धागे के रूप में, मतलब वो धागा उसके ऊपर बुना हुआ होता है उसके चारों तरफ, किसके लार्वा की चारों तरफ। तो कोकून के अंदर जो धागा बुना होता है, जो रॉ सिल्क होता है, वो अराउंड कर करीब करीब 1 किलोमीटर के करीब लंबा हो सकता है। अबाउट 2,000 to 3,000 कोकून आर रिक्वायर्ड टू मेक ए पाउंड ऑफ सिल्क, मतलब 1 पाउंड सिल्क के निर्माण के लिए एक लगभग अपन को 2,000 से 3,000 कोया कोकून मतलब कोया चाहिए। 1 पाउंड ऑफ सिल्क रिप्रेजेंट अबाउट 1,000 माइल्स ऑफ फिलामेंट्स, 1 पाउंड यदि रेशम की अपन बात करें तो उसके अंदर करीब करीब 1,000 माइल्स के धागे होंगे, 1,000 माइल्स के तंतु लंबे होंगे। इट टेक्स सिल्क फ्रॉम ओवर 2,000 कोकून्स टू प्रोड्यूस ए सिंगल किमेनो, जो किमेनो होता है उसको प्रोडक्शन के लिए, हिंदी में देखना पड़ेगा इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये करीब करीब इट टेक्स ए सिल्क फ्रॉम ओवर 2,000 कोकून, 2,000 कोकून चाहिए एक सिंगल किमेनो को प्रोड्यूस करने के लिए या किमेनो बनाने के लिए। द एनुअल वर्ल्ड प्रोडक्शन रिप्रेजेंट 70 बिलियन माइल्स ऑफ सिकल, तो वार्षिक जो उत्पादन है इसका वो कितना है, 70 बिलियन माइल्स है के धागे का होता है, 70 बिलियन माइल्स ऑफ सिल्क फिलामेंट्स। ये डिस्टेंस डिस्टेंस वेल ओवर 300 राउंड ट्रिप्स ऑफ द सन, मतलब सूर्य से यहाँ से जमीन से लगा, अगर सूर्य की बात करें तो ये जो धागा है वो 300 राउंड्स लगा सकता है सन का। बेस्ड ऑन ए 1 किलोमीटर पर कोकून, 10 अनरिवेल्ड कोकून कुड थियोरेटिकली एक्सटेंड वर्टिकली टू द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की हाइट तक ये इतना कोकून से जो धागा निकलता है उसकी लंबाई हो सकती है। द सिमेर्स एप्रियंस फॉर विच सिल्क इज प्राइज्ड कम्स फ्रॉम द फाइबर्स ट्रेंगुलर प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर, जो फाइबर्स जो कपड़ा होता है उसका ट्रेंगुलर लाइक या प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उससे इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि भी सिल्क कैसा है, कैसा अच्छा है या खराब है, या रिफ्लेक्ट करता है लाइट को डिफरेंट एंगल्स पे, तो उसके अपीयरेंस से ये लगता है कि हाँ सिल्क इज ए गुड क्वालिटी। द सिल्क फाइबर इज़ वेरी फाइन, सिल्क का जो धागा होता है वो बहुत महीन होता है, और इसकी साइज़ करीब करीब 10 नैनोमीटर तक होती है इन डायामीटर, स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कठोर होता है ये धागा, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, उससे बने हुए कपड़े की।
सिल्क इज़ मच लोअर डेंसिटी, इसकी घनत्व है वो भी कम होता है कॉटन से, ऊन से और नायलॉन से, और ये हाईली, पहले भी अपने बात की, ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। 1/3 जो इसका वेट होता है उसकी उसके बराबर की मात्रा में इसकी मॉइस्चर को, आर्द्रता को ये अब्जॉर्ब कर लेता है। ये हाईली वर्सटाइल फैब्रिक, और इससे बहुत अलग अलग तरह के कपड़े बन जाते हैं। सिल्क हैज़ प्रूवन टू बी आइडियल फॉर द वेराइटी ऑफ यूजेस, इसका बहुत अलग अलग प्रकार के कपड़ों में और अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाने के लिए इसका सिल्क का उपयोग होता है। रेशम का फॉर्मल सामान्य जो कपड़े के हैं उसमें भी है, स्लीप वियर्स में भी है, पैरासूट्स में भी है, कंबल बनाने के लिए भी है, पर्दे वगैरह है, बेड शीट्स है, और इसमें मेडिकल के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। सर्जिकल्स जो धागे होते हों उसके लिए भी सिल्क एज ए म्यूनिसिपल परसेंटेज ऑफ ग्लोबल टेक्सटाइल, तो इसका विश्व भर का जो टेक्सटाइल है, इसका कपड़ों का जो व्यापार है, मार्केट है, उसका परसेंटेज है ये 0.02%। ये एट द एक्चुअल ट्रेडिंग वैल्यू ऑफ सिल्क एंड सिल्क प्रोडक्ट्स इज मनी बिलियंस ऑफ द डॉलर्स, तो जो पैसों के रूप में इसको देखें तो इसके तो बहुत ज़्यादा है। सिंस द यूनिट प्राइस फॉर रॉ सिल्क इज़ रफली 20 टाइम्स दैट ऑफ रॉ कॉटन, रॉ कॉटन से इसका 20 गुना अधिक है। करंट वर्ल्ड सिल्क प्रोडक्शन इज एस्टिमेट टू बी अराउंड 1,25,000 मेट्रिक टन्स, इसका प्रोडक्शन होता है पूरे विश्व भर में। चाइना 80% इसका उत्पादन चाइना करता है और 10% उत्पादन भारत करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला विश्व भर में कोई देश है तो वो चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है। और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ भी है, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, ये भी इसका सिल्क रॉ सिल्क का उत्पादन करते हैं। ब्राज़ील भी एक ऐसा देश है, वो भी नॉन एशियाटिक देश है जो इसका प्रोडक्शन करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऐसी कंट्री है जिसकी मांग बहुत है सिल्क रेशम की, जो इंपोर्ट करता है रेशम को दूसरे देशों से। तो आज की लेक्चर्स में आपको ये विभिन्न प्रकार की जो सिल्क है, और ये चार प्रकार की, मुख्यतः जो चार प्रकार हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो सिल्क है वो मेलबरी टाइप्स की सिल्क है, और ये चारों प्रकार किन किन प्रजातियों से इस प्रकार की सिल्क का उत्पादन होता है, और ये चारों प्रजातियाँ किन पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं, किन पौधों के लीव्स को या उसके अलग अलग पार्ट्स को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं, और ये इस टाइप्स की प्रजातियाँ किन किन भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती हैं, और इस प्रकार का रेशम का उत्पादन भारत के किन किन राज्यों में होता है वो आपको पढ़ने को मिला, और कुछ जो फैक्ट्स दिए सिल्क के वो भी, उसकी भी आपको जानकारी मिली। तो आज का टॉपिक इतना ही, थैंक यू।